है गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल की क्रिस्पी पकौड़ी। देखिए इस तरह की कुछ येलो मूंग की दाल है जिसे हमने ऑलरेडी क्लीन करके धो के अच्छी तरह भिगो के रखा है। अब उसे हम पीस लेंगे और फिर उसके हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग की दाल को दरदरा पीस लिया है, इसमें हमने ये अदरक मिर्ची की पेस्ट ऐड कर देनी है, जितनी आप चाहो ऐड कर सकते हो। इसी के साथ हमने नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी रखा है, इसे डाल देंगे। इसी के साथ हमने जीरा और अजवाइन थोड़ा सा रखा है, इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कतर कर डाल देंगे। इसी के साथ हमने खूब सारा हरा धनिया डाल देना है और इसे ना अच्छी तरह से हमने एक मिक्सिंग दे देनी। इसमें पानी ज्यादा नहीं डालना है बिल्कुल। ऑयल ऑलरेडी गर्म होने को रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया और ये हमने खूब अच्छी तरह से बैटर को फैट लिया था, एकदम अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली। इसमें पानी नहीं ज्यादा डालना होता है वरना ये फैल जाते हैं। तो बस अभी इसको जो भी साइज की आप पकौड़ियाँ चाहिए तो बना सकते हो। तो हम थोड़ी मीडियम साइज की पकौड़ियाँ इसमें छोड़ देते हैं फटाफट से इस तरह से। देखिए हमारे एकदम क्रिस्प और बढ़िया पकौड़ियाँ पर तल के फ्राई होके हो गई है रेडी। बस इस तरह का कलर आने तक हमें फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। अब इसे हम हमारे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसी तरह हमने और सारे पकौड़े भी बना लेंगे। देखिए गर्मा गर्म क्रिस्पी मूंग दाल पकौड़ी बिल्कुल बनके रेडी है। अब गर्मा गर्म खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ऑयल नहीं ये अब्जॉर्ब करती है और हेल्दी भी है। मूंग दाल के तो बहुत सारे गुण होते हैं। तो बस इस तरह से आप बनाइए और एंजॉय कीजिए और हम भी अभी ये खाएंगे। तो बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक और हेल्दी रेसिपी में आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।